डिंडोरी में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने नियम विरुद्ध पात्रों को प्रधानमंत्री आवास आवंटन करने का आरोप लगाए हैं। असगर सिद्दीकी का आरोप है कि नगर परिषद ने गरीब और आवासहीनों को आवास न देकर अमीरों और अपात्रों को दिए हैं। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों पर 2-2 लाख रुपए लेकर अपात्रों को आवास वितरण करने के भी आरोप लगाए हैं। कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर बीएसपी जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने मामले की जांच की मांग की है। एसडीएम ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज मैंने ज्ञापन सौंपा है नगरी क्षेत्र में जो एएचपी आवास जो बने हुए है वहाँ उनका कल 31 तारीख को नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा सभी को पर्ची काट के दे दिए कि आपका आवास आवंटन हो गया है। लेकिन उसमें मैंने देखा सूची में कि उस सूची में जो पात्र हैं उनका नाम नहीं है, जो पात्र हैं उनका नाम नहीं है, जो अपात्र हैं उनका नाम उसमें लिखा गया है और कुछ पार्षदों का भी नाम दिया गया है। और लगभग मेरे अंदाज से मैं सभी लोगों को तो नहीं जानता लेकिन उसमें कुछ लोगों को जानता हूं जिनका पक्का मकान पहले से डिंडोरी में बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जो भूमिहीन हो, जो नियम हो सरकार का उसके तहत उनको मिलना चाहिए। बीएसपी जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी धांधली की जा रही है नगर परिषद द्वारा और उनकी सूची सहित उन्होंने हितग्राहियों की सूची दिया है कि जो हितग्राही इस पात्रता नहीं रखते हैं उनको भी दी जा रही है। तो उसकी जांच कराई जाएगी और फिर अगर यदि सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।